आदमखोर की तलाश तेज। जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी। वन विभाग और प्रशासन के छूटे पसीने। हमारा अनुरोध है सरकार से कि किसी भी तरीके से इन भेड़ियों को पकड़ाया जाए। और इसमें दो भेड़ियां हैं। वन विभाग से पहले भेड़िये की मांग तक पहुंचा न्यूज 18। पार करते हुए, नालों को पार करते हुए, खेतों को पार करते हुए, मेड़ों को पार करते हुए, तमाम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहां तक पहुंची है और आपको मांद तक ले आई है। शिकार को मांद में लाता है भेड़िया। कैसा होता है भेड़िये का मांद? और न्यूज 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मांद दिखी है और ये मांद देखिए, न्यूज 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मांद के अंदर अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मांद है। और इसी मांद के अंदर न्यूज 18 पहुंचा है और न्यूज 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मांद की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मांद को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 आज आपको दिखाएगा। भेड़िया, ये उस दहशत का नाम है जिसका खौफ बहराइच सहित आसपास के जिलों में इस वक्त है। वन विभाग प्रशासन लगातार भेड़िये को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक पकड़ से बाहर है भेड़िया। न्यूज 18 की टीम बहराइच से लगातार साहसिक रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 की टीम ने भेड़िये की मांद को ढूंढ निकाला है। कैसी है हमारी टीम, आदमखोर की मांद तक पहुंची है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है। इस सबके बीच न्यूज 18 की टीम ने उस मांद को खोज निकाला है जहां ये भेड़िया अपना घर बना चुका है। हम सिकंदरपुर गांव के बेल्हा बहरौली इलाके में मौजूद हैं, तटबंध के इलाके में मौजूद हैं। आइए आपको ले चलते हैं भेड़िये की उस मांद की तरफ जहाँ उसने अपना आशियाना बनाया है। बहराइच और उसके आसपास के जिलों में भेड़िये की दहशत कायम है। वन विभाग प्रशासन की टीम के साथ शूटर्स को भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैनात कर रखा है लेकिन भेड़िये अब तक पकड़ से बाहर है। बहराइच में मौजूद न्यूज 18 की टीम ने आदमखोर के ठिकानों को खोज निकाला। न्यूज 18 की टीम की साहसिक रिपोर्टिंग जारी है। न्यूज 18 के संवाददाता उमेश श्रीवास्तव भेड़ियों की तलाश के बीच भेड़ियों की मांद तक पहुंचे। ग्रामीणों के साथ न्यूज 18 की टीम जंगल के उस इलाके की ओर बढ़ी जहां भेड़ियों को अक्सर ग्रामीण देखते हैं। मांद की ओर बढ़ने के दौरान न्यूज 18 की टीम को वहां तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कटीले तारों को पार करना पड़ा, खेतों से होते हुए पानी को पार करना पड़ा। हालात मुश्किल थे लेकिन न्यूज 18 की टीम डटी रही और आगे मांद की तरफ बढ़ती रही। की टीम अति दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भेड़िये की मांद तक पहुंच चुकी है, यानी भेड़िये के आशियाने तक पहुंच चुकी है जहां भेड़िया रहता है। पीपल के पेड़ में इस भेड़िये ने या भेड़ियों के झुंड ने अपना आशियाना बना रखा है। जंगलों के बीच भेड़िये ने पीपल के पेड़ में अपनी मांद बनाकर रखी थी। आदमखोर के आशियाने को न्यूज 18 ने खोज निकाला। बताया जा रहा है कि लंगड़ा सरकार इसी मांद में अपने शिकार को लेकर आता है। मांद तक दुर्गम रास्तों से होते हुए, कटीले तारों से होते हुए मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा गांव, सिकंदरपुर का पूरा गांव यहां पर उमड़ पड़ा है और जितने भी ग्रामीण हैं लाठी डंडा लेकर सब हमें भेड़िये की मांद दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जान पर खेलकर वन विभाग से पहले न्यूज 18 की टीम
आदमखोर के उस ठिकाने तक पहुंची जहां अब तक देश का कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया। सिकंदरपुर के इलाके में भेड़िए ने मांद बनाई है। एक पेड़ के चारों ओर भेड़िए ने कई मांद बना रखी है। न्यूज 18 के कैमरे में भेड़िए की मांद कैद हुई है। ये कई मांदे बना रखी है, सामने एक मांद ये बना रखी है, ताजा मांद बना रखी है। और जरा दिखाइए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भेड़िए के मांद की तस्वीर है। पीपल के पेड़ में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है और ऐसी कई मांदे इलाके में हैं। जरा लॉन्ग शॉट करके भी दिखाइए कि किस तरह से पीपल के पेड़ में तरह तरह की मांदे, बच्चा भेड़ियों के लिए भी लगता है यहाँ मांद बनाई गई है। अगर आप दिखा सकते हैं, यही लाता था, ये बताते हैं कि अपना शिकार करने के बाद ये भेड़िया यही लेकर के आता था। और बेलहा बहरोली का अत्यंत दुर्गम इलाका, इतना दुर्गम इलाका कि अभी तक न्यूज 18 के अलावा कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया। और देखिए गांव वाले हमें दूसरी मांद भी दिखा रहे हैं। ये सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद है, हाथ से इशारा करते हुए ये सभी ग्रामीण मांद दिखा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी जिस तरह से ये दुर्गम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आप इन तस्वीरों में देखिए। वन विभाग को भी यहाँ आना चाहिए जल्द से जल्द और इस इलाके में अपने कैमरे लगाने चाहिए, थर्मो सेंसर कैमरे लगाने चाहिए और यहाँ पर यकीनन शिनाख्त होनी चाहिए। तमाम बाधाओं को पार करते हुए न्यूज 18 की टीम दहशत के उस इलाके में पहुंची जहां जाने से हर कोई डरता है। उस इलाके में भेड़िए की कई मांदे नजर आई। न्यूज 18 के साथ मौजूद लोगों ने बताया कि रात में भेड़िया आया था, भेड़िए के पैरों के निशान दिख रहे थे। मांद यहाँ पर लेकर आता है, जितने ये शिकार करता है गांव और पुराई पालों में, वो सब लेकर जो बचा हुआ मांस है वो यहाँ लगकर आता रखने के लिए। अच्छा। जब यहाँ दो तीन बार लोगों ने पकड़ा उसको तब यहाँ रखना बंद कर दिया। हाँ। लेकिन आता जाता रहता है वो। हाँ। दो तीन बार अपने इलाके में दिखाई भी दिया है, लेकिन कोई ग्रामीण और कोई हमारे किसान भाई उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। हम लोग सारी रात किसानी कर रहे, खेत बचा रहे हैं और रात को अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। इलाके के ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि भेड़िया इसी इलाके में दिखाई देता है। मांद के करीब जाने पर उसकी लंबाई पता नहीं चल पा रही है। एक ही आकार की कई मांद दिखाई देती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए अलग से मांद तैयार की गई है। जंगलों के बीचों बीच न्यूज 18 की टीम मौजूद है और हम लगातार जल, जंगल, जमीन लगातार हम भी अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और न्यूज 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मांद दिखी है। और ये मांद देखिए, न्यूज 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मांद के अंदर अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मांद है। और इसी मांद के अंदर न्यूज 18 पहुंचा है और न्यूज 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मांद की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मांद को बना करके यहां पर व्यवस्था की गई है। वन्य जीव यहां पर रहता है तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं। एक देखिए बड़ी मांद दिखाइए, ये भी मांद दिखाइए कि किस तरह से यहां पर भी दो मांदे अलग अलग बनाई गई हैं। ग्रामीण भेड़ियों को पकड़ने की वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है, रातों को भी जागना पड़ता है। भेड़िए को पकड़ा जाए। बहुत परेशान है आप लोग, क्या कहेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज कर देना चाहिए। देखिए सारे ग्रामीण हैं और जंगल का पूरा इलाका भी, अगर आप दिखा सकें थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से कितना सेफ प्लेस और कितनी सुरक्षित जगह पर भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है। न्यूज 18 की टीम तो भेड़ियों की मांद तक पहुंच गई। देखना है कि वन विभाग के अधिकारी और प्रशासन की टीम दहशत को कब पिंजरे में कैद करती है और कब बहराइच और आसपास के लोगों को इस परेशानी से राहत मिलती है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो बहराइच में भेड़िए के हमले में एक बेटी ने खुद को बचाया। बहादुर बेटी के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची है और बच्ची से बातचीत की गई है। बहराइच के महसी तहसील में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ में नहीं आया है। खासतौर से भेड़िया
बच्चों को निशाना बना रहा है। आप इस तस्वीर में देखिए कि कितने बच्चे इस गांव में हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं और भेड़िया भेड़िया का शोर तो होता ही है। इन सबके बीच आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे जिन्होंने भेड़िए के हमले से अपने आप को बचाया और एक तरह से भेड़िए के हमले को मात दे दी। ये बच्ची बहराइच के चंदपैया गांव के एक मजरे की रहने वाली है और इस बेटी का नाम शमा है, उम्र 12 वर्ष है और ये बच्ची को भेड़िया ही उठाकर ले गया था। लेकिन इधर आइएगा, भेड़िया ही उठाकर ले गया था और फिर उसने दूर ले जाकर के छोड़ा। 7-8 दिन ये बच्ची एडमिट रही। आप देखिए किस तरह से ये निशान दिखा रहे हैं इनके पिताजी कि भेड़िया ने इस पर हमला किया था गर्दन पर और जब शोर हुआ तो भेड़िया भागा और उसके बाद ये 7-8 दिन अस्पताल में भर्ती रही और अब ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। और इस बेटी का नाम शमा है और बताते हैं जुलाई में भेड़िए ने अटैक किया था इसी गांव में आकर के, इसी पूर्वे में आकर के। और इससे हम बात करते हैं, अगर ये बात कर सके तो बताएं। बेटा क्या नाम है आपका? शमा। शमा क्या हुआ था उस दिन? बाघ काटा। अच्छा, तो कहाँ सो रहे थे आप? कहाँ सो रही थी बेटा? वहाँ सो रही थी, मम्मी के पास सो रही थी। फिर क्या हुआ, कितने बजे भेड़िया आता है जी? आप कैसे उठाकर ले गया? हाँ। उठाकर ले गया था। अच्छा, आप सो रही थी? हाँ। चिल्लाई होगी तुम? हाँ। खूब चिल्लाई तो पापा जगे आपके? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ जाके छोड़ा फिर आपको बेटा? सड़क, सड़क पे छोड़ा। आप अस्पताल में भर्ती भी रही? हाँ। कितने दिन भर्ती रही? 8 दिन। 8 दिन भर्ती रही अस्पताल में। तो अब आपने भेड़िए को हरा दिया। हाँ। अच्छा, तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है? वेरी गुड। एक हफ्ता सरकारी में भर्ती रही, बाद में प्राइवेट में भर्ती रही, ऐसा कह रहे हैं लोग। आप उनके पिताजी, क्या हुआ था बताइए बच्ची के साथ? जी यहाँ पर लेटी थी हमारी बीबी और या, इसके बाद ही उठा ले गया था। तो सड़क पर पहुंची तो जब दोबारा भरने लगा तो दोबारा चिल्लाने दनी, तो हम दौड़क गए तो देख कर मेरे मैंने बहुत थर्रा उठे। अच्छा, जी सर, जानवर देखा तो जब चिल्लाया 10-20 आदमी इकट्ठा हो गया, तब वो का चिल्लाने के बाद तब भगा वो। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, चंदपैया गांव, मजरा, भड़रिया, टिपरी, बहराइच। तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। बहराइच के कई गांव में आश्रय स्थल बनाए गए हैं, पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है। चंदपैया सहित कई गांव में आश्रय स्थल बना दिए गए हैं। अग्रोरा, दुबहा, रायपुर, सिसेया, चूड़ामणि में भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं या नहीं लग पाए हैं उनके लिए। तो भेड़िया क्योंकि गांव में कई घटनाएं कर चुका है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यहीं पर आश्रय स्थल में आकर के रातें गुजारे। जी, अपनी जान बचाने के लिए पड़े हैं साहब। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े? जी हाँ। ये व्यवस्था ठीक लगी आपको? जी हाँ, बहुत व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना खा करके घर से यहीं चले आते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, बच्चों को लेकर भी यहीं चले जाते हैं? बच्चे वहीं रह जाते हैं, कुछ कुछ चले जाते हैं, घूमते हैं गाँव में जागरण। आपको यहाँ पर जो है ठीक लगता है कि चलो भाई पंखा भी है ना, सारी व्यवस्था की गई है, चारपाई भी मिली, गद्दा वगैरह दिया गया है, तो ये ठीक है? जी जी जी, ठीक है। और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ रातें गुजारते हैं आप लोग? हाँ जी, हमें हम कर जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं यहाँ, अच्छी व्यवस्था की है? हाँ जी, यहाँ पर रहते हैं, यही रहते हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था ये की गई है यहाँ पर? बेड, चारपाई, बिस्तर सब मिला है? हाँ, सब सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? हाँ। देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है। ये सचिवालय है और यहाँ से हम लोग कवर कर रहे थे, ऐसे ही अलग अलग गाँवों में ये व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा आपका घर असुरक्षित है और आपको लगता है कि घर में दरवाजा नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप ऐसे आश्रय स्थलों का भी सहारा ले सकते हैं। अलग अलग गांवों में इस तरह की व्यवस्थाएं बहराइच जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, बहराइच।